ये यूपी की राजनीति की वो अहम तारीख है जब 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में होंगे और असदुद्दीन ओवैसी उनको चुनौती देंगे। पीएम मोदी का दौरा ऐसे समय में है जब यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले पीएम मोदी 1550 करोड़ की परियोजना का तोहफा वाराणसी वासियों को देंगे। वैसे वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, ऐसे में चुनाव से पहले पीएम मोदी की हुंकार बेहद अहम मानी जा रही है और इस बीच पीएम मोदी को ओवैसी चुनौती देते नजर आएंगे। 15 जुलाई को ही असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी ताल ठोकने यूपी पहुंचने वाले हैं। ओवैसी भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ मुरादाबाद में भागीदारी संकल्प मोर्चा कर रैली निकालेंगे, यानी कि एक ही दिन एक ही तारीख पर पीएम मोदी और ओवैसी एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। ओवैसी यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और मकसद चुनावी सुर्खियां बटोरना है। हालांकि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम है क्योंकि अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी वाराणसी को जापान के सहयोग से बने हाईटेक कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के अलावा गदोलिया पर बने मल्टी स्टोरी पार्किंग स्मार्ट स्कूल, गोरत पर रोरो क्रू जैसे कई योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। हालांकि चुनाव से पहले पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी विगुल फूंकना बेहद अहम माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी की कोशिश मुस्लिमों के बीच ओवैसी फैक्टर का शह लाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।